हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज कंपनी में। तो मैं आया हूं एक सीडी प्लांट के अंदर। तो ये सीडी प्लांट का जो प्रोसेस है मैं पूरा समझना है, और हमारे साथ है तरुण इंजीनियर जो मैकेनिकल का पूरा डिपार्टमेंट यहां देखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है कंपनी में। जो मोहित सर ने भी बताया कि ईडी लाइन है, जो ये ईडी लाइन है इसको प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। जो यहाँ पे बास्केट लगता है, बास्केट में मेटेरियल लगता है, मेटेरियल में से ये लाइन का प्रोसेस है। ये देख रहे हो, जो ये देखो लाइन का प्रोसेस दिखाओ। इसमें प्रोसेस चलता रहता है, जो टाइम के हिसाब से चलता है। जाने के बाद ये हमारा ईडी टैंक आ गया, जो यहाँ पे खतरा लिखा है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं जाएगा, ऑपरेटर के अलावा हम। हाँ, ये बंद ही रखना पड़ता है, तो बंदा ना जाए इधर, खतरा है ना यहाँ पे लाइन पे, तो भरकर ना जाए यहाँ पे, होएगा तो पकड़ लेगा। तो ये हमारा ईडी टैंक है, इसमें पेंट मटेरियल आता है, जो मटेरियल आके इसमें पेंट होता है, जो पार्ट को चिपकता है पेंट से। इसका प्रोसेस है, उसमें दो मोटर लगे हैं हमारे, जो एक चिलर से, चिलर में होके फिल्टर से होके बैक फिल्टर से वापस आता है। एक होता है हमारा मोटर, दूसरा मोटर है मेम्ब्रेन में, वो मेम्ब्रेन दिख रहा है, वो मेम्ब्रेन का प्रोसेस भी बताऊंगा मैं अभी। हाँ ये वाला, ठीक, अभी मेम्ब्रेन का प्रोसेस बताऊँगा, जाते हैं अभी मेम्ब्रेन का प्रोसेस बताएंगे अभी। बताया था मेम्ब्रेन के पास आना है, हम मेम्ब्रेन के पास आ गए, हम अभी मेम्ब्रेन का प्रोसेस बताएंगे आपको। आइए, ये जो है उसमें से ये पाइपलाइन आई है, जो बैक फिल्टर है हमारे पास दो, तो इसमें से बैक फिल्टर से होके जो पेंट को छानता रहता है, जो कचड़ा वचड़ा ना जाए, इसमें से दो फिल्टर लगे जो उसको छान के नीचे रख देता है। फिर आ गया मेम्ब्रेन, ये हमारा जो मेम्ब्रेन का लाइन है, ये आई मेम्ब्रेन ये है। इसमें हमारा इनपुट आउटपुट का ऑप्शन है, जो एक लाइन है ये दूसरी लाइन है, तो हम इसमें से भी इन कर सकते हैं, इसमें से भी वापस इन कर सकते हैं। जो ये दिख रहा है ये है हमारा मेम्ब्रेन का, जो मैं तो हमारा पढ़ते हैं एस और एम पढ़ता है, उसमें इसे मेम्ब्रेन को ये छानता है, तो छान के ये जाता है यूब ट्यूब वन में जाता है, और ये फिर रिटर्न होकर फिर ईडी टैंक में जाता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल। थैंक यू।